जी हमारे वैदिक भैया चला रहे हैं, अपनी राइड कर रहे हैं हॉर्स की। उधर कहाँ ले जा रहे हो? शॉप में। हाँ, वैदिक फर्स्ट टाइम मॉल में आया है और कहता है मम्मा, और कुछ गोटापत्ती में, कुछ हैंडवर्क में है। तो ये वाला तो हैंडवर्क का है। और इस सूट्स के कलेक्शन में देखना है, एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी, ज़्यादातर आपको वाइट मिलेंगे ऑफर। मॉर्निंग, और मैंने नहा लिया है और अब मैं सुबह सुबह ले रही हूँ अमल की रसायन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट वीडियोज़ में बताया था। तो खाली पेट इसको लेना होता है, बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा देता है, स्पेशली जिनमें एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि मेरे जैसे लोग बीमार उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आपको शहद के साथ इसको लेना है, उसके ऊपर गर्म पानी कुछ भी नहीं पीना है, क्योंकि शहद है ना, शहद पे गर्म पानी नहीं पीते। जाना है ऑफिस, तो इसलिए थोड़ी सी गोभी बना रही हूँ, आलू गोभी की सब्जी, और उसको गर्म पानी से धो दिया है ताकि कोई कीड़ा ना रहे, क्योंकि आजकल की सब्जियों में ना कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, सब्जियाँ कम आती है। जल्दी से गोभी बनानी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, और उसके बाद डालूँगी थोड़ी सी यहाँ पर हींग। हींग के बिना गोभी नहीं खानी चाहिए, आपको गैस करेगी बहुत ज़्यादा। ये थोड़े आलू मैंने डाले हैं, इसमें मैं आज हरी मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हरी मिर्च भी नुकसान करती है आपको। थोड़ी सी बस लाल मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमेशा सर्दी की सब्ज़ी में मैं वैसे ही लाल मिर्च कम डालती हूँ। तो आज मैं इसमें डालने वाली हूँ लाल मिर्च, वो भी बहुत थोड़ी सी डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालने वाली। हरी मिर्च ना मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रिज से लाने में जोर आ रहा है और उसके बाद ना उसको काटने में, तो इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैं आपको इतने एक्सक्यूजेस दे रही हूँ। तो इसलिए रेड मिर्च डाल के इस सब्ज़ी को बना देंगे फटाफट से। बाकी हरी मिर्च गोभी में बहुत अच्छी लगती है, और इससे थोड़ा सा अदरक घिस के ज़रूर डालना है, अदरक घिस के, तो नहीं तो गोभी बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देती है खाने में। अब इसमें फटाफट से नमक डाल देंगे थोड़ा, मैं ज़्यादातर सब्जियाँ ना इसी कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि इस कढ़ाई में बनी हुई सब्जियाँ ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आयरन डेफिशिएंसी पूरी करती है, एक तो एक आपके लिए हेल्दी है, इसके मिनरल्स भी ख़राब नहीं होते आपकी सब्ज़ी के, विटामिन वगैरह, वैसे ही आजकल सब्जियों में कुछ भी नहीं होता है, मिनरल्स विटामिन के नाम पर तो धोखा है सब्जियाँ, लेकिन जो भी बचा है इसमें मिनरल्स, वो आपको इसमें सिक्योर रहता है। और हम जो अदर यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं, वेसल्स जो भी यूज़ करते हैं दूसरे वाले, उनमें इनकी जो मात्रा है विटामिन मिनरल्स इन सब की, वो ख़राब हो जाती है। अब इसमें थोड़ी हल्दी डाल देंगे, मसाले ना थोड़े थोड़े करके ऐड करो, अब फ्लेवर भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है। बहुत सारा डाल देते हैं ना, फिर फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है, कलर भी ख़राब हो जाता है। और जो लोग बोलते हैं इस कढ़ाई में काला बनता है सब कुछ, एक बार बिना ढके बनाना, उसके बाद में देखना सब कुछ आपका जैसा आपने कलर चाहते हैं ना वैसा ही आएगा। जब हम लोग ढक देते हैं ना, तो उसका जो पानी के साथ लग लग के उसका जो कलर है ना, और उसी में बनाने के बाद उसी में छोड़ देना, ये सबसे बड़ी गलती होती है लोहे की कढ़ाई का यूज़ करना, सही से आना चाहिए। वो किसी मिरेकल मास्क के बारे में बता रही थी, तो वो क्या चीज़ है, वो है बेसन, हल्दी थोड़ी सी, यहाँ पर थोड़ा सा हनी हम लोग ऐड कर देंगे, ये देखिए, इसमें जाएगा थोड़ा दही और थोड़ा सा नींबू, बहुत ज़्यादा नींबू नहीं डलेगा, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा नींबू, ठीक है। मास्क तैयार है, मैंने आपको बताया था इसमें दही डालना है, तो मेरे पास दही अवेलेबल नहीं था, यहाँ पर मैंने दूध डाला है इसमें, कच्चा दूध डाला था। और थिक रखना है मास्क को एकदम, इस तरीके का पेस्ट एकदम गाढ़ा गाढ़ा, और फेस पे लगा के रखना है, और 30 मिनट्स मिनिमम इसको रखना है। अब इसको 30 मिनट्स के लिए रख देना है, ताकि 30 मिनट्स में ये सूख के सेट हो जाएगा। देखने अपने आप से ड्रॉ करके खुद से कलरिंग की है, ये ड्राइंग भी इसने बनाई है। मेरा मास्क बह बह के ऐसे आ रहा है, इसीलिए बोला है आपको कि थिक मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी।
मुझे ना 3-4 दिन से उल्टी, चक्कर, ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज मैं ले रही हूँ अमृत धारा। ये आप सभी के घर में होनी चाहिए। ये बेसिकली ना पित्त से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसको हरती है। गर्म पानी में मिक्स करके लिया जाता है। इस पे देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये आधा कप गुनगुने पानी में हिलाकर इसको लेना है, और पित्तजनित रोगों में लाभदायक है। अगर आपको जैसे इस पर ठीक से दिख नहीं रहा है, ज़्यादा मात्रा ले लोगे तो दस्त भी हो सकते हैं। और जैसे शिशु स्तनपान कराने वाली माताएं हैं वो बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं लें इसे, वैसे उनको तो नहीं लेनी चाहिए और गर्भवती स्त्री को भी नहीं लेनी चाहिए। कि यहाँ पर मैंने ना इसे डाल लिया है और ये इस तरीके से है, मतलब पानी के जैसा ही लिक्विड होता है। मैं इसको थोड़ा सा पी लेती हूँ। फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लोई फेस लग रहा है। और इसके बाद में मैंने सिर्फ थोड़ी सी विटामिन सी सीरम अपने फेस पे लगाई थी और बहुत अच्छा ग्लो आता है। अब धीरे धीरे लगाने लग जाओ, अभी भी चिपक रहा है मेरे। जब आप लगाने लग जाते हो बहुत अच्छा लुक आने लग जाता है। धीरे धीरे आपका फेस पे नेचुरल ग्लो बिल्डअप होने लगता है। छोटे से बच्चे ने भी नहीं नहीं किए जय श्री राम। अब जय श्री राम निकल रहा है मुझसे। आज कैसा लगा चिकू नहा के? आज ये ना पूरा 1 वीक के बाद में नहाया है। इतने दिन तक स्पॉन्ज होता था, आज बेचारी की नहाते हुए रोना ही निकल गया। नहीं नहीं करते हुए रोई रोई क्यों किया आपने बच्चे, बताओ? तो आपको मैं ना आज अपना सूट्स का कलेक्शन दिखाती हूँ। ये वाला तो एकदम ब्रांड न्यू है, अभी तक मैंने पहना ही नहीं, टैग ही नहीं निकला। ये सारे जयपुर का कलेक्शन है मेरा। जयपुर में सूट्स की रेंज आप जानते हो कितनी खूबसूरत होती है। और कुछ गोटापत्ती में, कुछ हैंडवर्क में है, तो ये वाला तो हैंडवर्क का है। और इस सूट्स के कलेक्शन में देखना एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी, ज़्यादातर आपको वाइट मिलेंगे, ऑफ वाइट या वाइट। तो मुझे ना बेसिकली आज क्या, मैं इनको समेट रही थी ठीक से, तो उसमें मैंने ये सब निकाले। मैंने देखा आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये अभी वाइट है इस तरीके से, कॉटन में है ये प्योर ना, तो देखो ये इस तरीके। ये तो मैंने आपको दिखाए भी थे, ये भी कॉटन का है, ये भी कॉटन है, ये मसलिन है दोनों, ये मसलिन का है प्योर और ये भी प्योर कॉटन है 100%। और ये वाला, ये आई थिंक चंदेरी में है, वो वाला भी मसलिन है, ये कॉटन है, ये भी कॉटन है। तो मेरे पास वाइट ही वाइट ज़्यादा है। ये सिल्क है, ये चंदेरी सिल्क में है। और वो जो कुर्तियाँ रखी है ना वो भी उसमें है, आई थिंक चंदेरी में। और ये रेयन है, रेयन स्लब। और ये मैंने ना खुद डिज़ाइन किया था ये वाला, ये देखो ये सिल्क में है और हाफ़ कुर्ती है इस तरीके से। और ना ये मैंने खुद बनाया था, इसके नीचे पटियाला है, खुद बनवाया था, डिज़ाइन करवाया था। उसके ऊपर कोई भी हैवी सा दुपट्टा ले लो, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर ये भी प्योर कॉटन है, ये 60x60 कैम्ब्रिक कॉटन में है। एक ये सूट मैंने डिज़ाइन किया था, ये ना आपके घर में आप देखते हो ना ऐसे वाइट कलर के फैब्रिक रखे होते हैं, कोई शर्ट का फैब्रिक आया होता है बहुत सारे, तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये मैंने डिज़ाइनिंग मेरी थी, स्टिचिंग कहीं और से करवाई थी। तो ये इस तरीके से, इसके नीचे ना मैंने शरारा बनवाया था बॉटम में, तो इस तरीके का शरारा है। ये देखो बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद, वाइट है। अब इस, ये डायबल फैब्रिक है, इसको किसी भी कलर में डाई करवा सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा इसको एक दो बार वाइट पहन लेती हूँ, उसके बाद कहीं पे मुझे तो वाइट भी ये बहुत सुंदर लग रहा है, तो डाई तो करवाने का मेरे को कोई सवाल नहीं होता है इस पर। और ये वाला भी एम्ब्रॉयडरी है, मुझे एम्ब्रॉयडरी वर्क ज़्यादा पसंद है। ये भी कुर्ती है, ये सिल्क में है, ये भी मैंने खुद डिज़ाइन की थी कुर्ती ना, ये इस तरीके से ब्लेजर स्टाइल में आगे से कट है स्लिट वाला। और ये कुर्ती है, एक ये वाली है, एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी है मेरे पास में ज़्यादा। मुझे एम्ब्रॉयडरी इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एम्ब्रॉयडरी वर्क। ये एक इस तरीके की वाइट एम्ब्रॉयडरी तो फेवरेट है मेरी। एक ये वाला है, ये नायरा कट में है, वो वाला आई थिंक नायरा कट में जो है। और एक ये वाला है, आप देखना चाहो तो ये रहे। तो मेरे पास ना सूट्स की रेंज, और सारे ना आपको ब्लॉक प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट यही सब मिलेंगे, क्योंकि मैं वही सब पहनती हूँ, मुझे वही बहुत पसंद आते हैं, तो सूट्स मेरे पास काफ़ी हैं।
शादी से पहले ना कोई टाइम ऐसा होता था कि मेरे पास में सिंगल सूट नहीं था, सिंगल कुर्ती नहीं होती थी तो, और अभी तक नहीं थी। ये सब वैदिक के होने के बाद में मुझे थोड़ा सा क्रेज़ आने लगा। शादी के बाद में मुझे शादी की तरफ से, मतलब होता है ना ससुराल की तरफ से सूट्स मिले थे, हमारे उधर साड़ीज़ चलती हैं तो मुझे साड़ीज़ काफ़ी मिली थी। और तब क्योंकि मुझे ना साड़ीज़ का शौक़ जो है वो ज़्यादा है सूट्स के बजाय, लेकिन इन दिनों ना मेरे को सूट का क्रेज़ ज़्यादा हो गया है साड़ी के बजाय। देखो ये वाला मैंने खुद डिज़ाइन किया था, आप बताना कैसा लगा। इस तरीके से कुर्ती है, और पहले मैं डिज़ाइनिंग करती थी तो मुझे जॉब भी मिली थी जयपुर में ना एज ए डिज़ाइनर, तो उन्होंने बोला डिज़ाइन करके दो, लेकिन मेरी शादी हो गई थी और मेरे को दिल्ली आना था तो फिर इस वजह से मैंने वो जॉब कंटिन्यू नहीं की। ये इस तरीके से देखो इसका बॉटम ना, और प्योर कॉटन का फैब्रिक है, जो होता नहीं है हमारी मम्मी और दादी नानी के पास में वो लोग कबर्ड में छुपा के रखते हैं, तो मेरी माँ के पास में ये फैब्रिक था तो मैंने माँ से ले लिया था, और बहुत प्यारा लगता है ये वाला फैब्रिक ना मुझे। आज मैं धीरे धीरे ना क्या करती हूँ, अपनी अलमारियाँ जो है उनको निकालती रहती हूँ, एक एक रैक उनका एक एक साफ करती हूँ। आज आप मानोगे नहीं, ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, सिर्फ ये इतनी छोटी सी रैक में से निकली है, इतनी ऐसे मैं एडजस्ट करके रखती हूँ। नीचे वाला तो अभी भी भरा है, उसमें तो जीन्स है। इस रैक में, ये रैक ना इतनी बड़ी है कि इसमें ये जो सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं सब आ जाती हैं बाहर, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी रैक है ये मेरी। तो इसको मैंने आज निकाला है ताकि मुझे क्या है नॉलेज में रहता है इससे कि मेरे पास क्या चीज़ है क्या नहीं है और मुझे कब क्या पहनना है। ऐसे क्या होता है मेरे कपड़े सारे दबे रह जाते हैं और हम लोगों को फिर बाद में याद आता है कोई, जब हम लोग दिवाली की सफाई करते हैं, अरे ये वाला भी तो था, ये भी तो पहनना था, तो वो सब फिर पहनना नहीं हो पाता। मैं मेरा बहुत प्यारा सा सूट दिखाती हूँ, ये मेरा बांधनी प्रिंट में है, बंदेज आप कह सकते हो, उसके साथ ये एम्ब्रॉयडरी वाली पैंट है। पैंट तो क्या मैंने पहनी थी इसलिए ऐसी दिख रही है, प्रेस नहीं है। और मेरे को ना अपने कपड़ों को ना बड़ा प्रेस करके बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत पसंद है, उनको मतलब ऐसे कीचड़ की तरह नहीं रखती मैं घुसा घुसा के, बहुत अच्छे से रखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अच्छे से रखना। ट्रिक बताती हूँ, हम लोग मेरे को जैसे ना वाइट कलर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वाइट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उसको रखे रखे ना उसमें रखे रखे ही धब्बे होने शुरू हो जाते हैं, आपने देखा होगा पीले पीले से स्टेन आ जाते हैं, या फिर कोई भी तरीके का निशान उसमें ज़रा सा भी अलमारी में गंदा हुआ और उसके ऊपर स्टेन चिपक के, और वो इतना पीला सा हो जाता है उतरता भी नहीं है बाद में। और कई सूट्स तो होते हैं जो ड्राई क्लीन के होते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको इस तरीके से आपको रखना चाहिए। ये ना ऐसे आप थैली ले लीजिए, थैली जो सिंपल पन्नी होती है ना उस पन्नी में रखो, कोई फैब्रिक में लपेट के भी रख सकते हो पर वो बहुत ज़्यादा जगह जो होता है कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से मैं इनको रखती हूँ, और मैंने ना जैसे एक और वाइट में आपको दिखाती हूँ, जैसे पिलो के कवर्स होते हैं जो यूज़ के नहीं होते, बाद में बेडशीट फट जाती है, तो मैं आपको एक शॉल दिखाती हूँ मैंने डिज़ाइन की थी, एक शॉल भी दिखाती हूँ। ये सारा वर्क मैंने खुद से घर में बैठ के किया है, मतलब इसको पेस्टिंग वगैरह करना, वर्क तो लाई कहाँ से हूँ वो भी आपको बताती हूँ। ये ना मेरी चाची का, ये एक तरीके से ना ये बेडशीट का फैब्रिक था, तो बेडशीट के साइड साइड का वाइट वाइट बॉर्डर था वो तो मैंने निकाल लिया, तो बहुत मोटा सा था फैब्रिक। और ये मेरी चाची के लहंगे का काम था, तो लहंगे का मैंने क्या किया, उसकी जो चुन्नी थी ना उसकी मैंने बनवा ली है कुर्ती, ब्लाउज उसका एज इट इज़ है, बस उसकी चुन्नी की मैंने कुर्ती बनवा ली है। और क्या है कि उसकी जो चुन्नी की जो कुर्ती बनवाई उसके अंदर ये थोड़ा सा काम ना उन्होंने साइड से निकाल दिया था, जो जो यूज़ का था वो तो उन्होंने रख लिया, पेस्ट कर दिया, बाकी का निकाल लिया एक्स्ट्रा था। तो मैंने उस सूट के लिए चुन्नी तैयार करी है। मैंने क्या किया, ये जो देखो इस तरीके से ये एपिक वर्क आप समझ सकते हो, पैच वर्क, ये पैचेस थे ना वो निकाल निकाल के इसमें मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिए, सारे हैंडवर्क के हैं। और ये जो टैसल्स हैं ये अलग से मैंने इसमें लगाई हैं, ये देखो, तो ये इस तरीके से है। और ये यहाँ पर आप सोच रहे हो बीच में क्यों डाली है मैंने, क्योंकि आपको दिखाती हूँ, ये ना दो फैब्रिक थे, मतलब जो किनोरी होती है आप समझते हो उसका बीच का तो निकला ना, वो तो मैंने डाइनिंग टेबल का कवर बना दिया था, और साइड्स का जो निकला था ना उसको मैंने दोनों को जोड़ के यहाँ पर जॉइंट लगाया। अब इसको छुपाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लेन वाइट कॉटन का जो फैब्रिक आता है इसी के कलर का ऑफ वाइट, वो मैं इस पर लगा दूंगी, तो ये सारा वर्क जो है ये काम किया हुआ है, इसकी जो सिलाई वगैरह है ना वो ढक जाएगी। ये देखो जैसे मैंने स्टिच किया है ये सारा ना दिख रहा है ऐसे, तो ये सारा काम ढक जाएगा। तो ये देखो ये इस तरीके से दोनों तरफ है, और मैं आपको थोड़ा ना लेके दिखाती हूँ, और काफ़ी हैवी में है, मतलब ये देखो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, बहुत हैवी शॉल है। तो विंटर में आजकल तो ऐसे फैशन में बहुत ज़्यादा है कि आप विंटर में इस तरीके की शॉल्स लो, बनाओ दुपट्टे, तो मैंने खुद से बनाया था, आप बताना आपको कैसा लगा। और ये देखो,
और मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आपको पसंद आएगी तो। ये देखिए, तो ये मैं डिज़ाइनिंग छोटी मोटी करती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ऐसे डिज़ाइनिंग करना। तो वाइट के ऊपर काम ना उठ के आता है, तो आप भी अपनी मम्मी की पुरानी साड़ियाँ या किसी भी चीज़ का वर्क है ना उसको उतार लो, क्योंकि फैब्रिक तो गल जाता है, फैब्रिक का यूज़ नहीं है, वो थोड़े टाइम तक रहेगा उसके बाद में निकल जाता है, लेकिन जो उसका काम होता है, अभी ये जो ना ओरिजिनल जरी का काम है, आज के टाइम की जो जरी होती है वो काली पड़ जाती है, ये जो जरी है ना इस तरीके से इनको अरेंज कर दिया है। और वैसे तो मेरे ना इसमें अंदर की तरफ ये सनमाइका लगी हुई है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको ना अरेंज कर दिया। तो वाइट जो कपड़े हैं ना मैं बेसिकली इस तरीके से अंदर समेट के रखती हूँ। मेरे पास ये वाला सूट था वाइट, ये भी वाइट है, और ये जैसे ये अफ़गानी पैंट तो ना अब चली है, और ये सूट मेरे पास बहुत पहले का रखा हुआ है, देखो पहले भी अफ़गानी पैंट चलती थी, जो पुराना फैशन नहीं होता तो वो अब वापस से आने लग गया, तो आजकल अफ़गानी पैंट का फैशन है। इसमें भी आई थिंक नहीं, इसमें तो पैंट प्लाजो ही है, तो ये भी कुर्ता सेट ही है इस तरीके से। और जो सबसे फेवरेट सूट है ना मेरे ये वाले हैं, ये हैंडवर्क के हैं, प्योर हैंडवर्क के हैं, और ये ड्राई क्लीन का है पूरा सूट। और ये जैसे इसमें हैंडवर्क, ये कढ़ाई नहीं है, ये इसके ऊपर देख रहे हो चीड़ लग रही है, वर्क हो रहा है, ये जो तारी वर्क है ये सब हैंडवर्क है। और इसके साथ में बॉटम है, इसकी बॉटम इस तरीके की है, बहुत प्यारा लग रहा था, इसको मैंने पहना था, एक बार पहना है बस। और अभी तो मेरे पास ना सूट एक्चुअली बहुत सारे हैं जो मेरी शादी के टाइम के हैं ना, ये भी हैंडवर्क का सूट है पूरा, ये देखिए इस तरीके का, और इसके साथ शायद शरारा है, बहुत सुंदर शरारा लगता है इसका ना मुझे, ये देखो, ज़्यादा तो नहीं खोलूँगी फिर मेरे को ना समेटने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा जो टाइम है वो सारा कंज्यूम कर लेंगे। ये सूट सी इस तरीके से है, और एक ये है, ये तो वो ही है वाइट, मैंने जैसे आपको दिखाया ना सेम उसी तरीके के हैं, ये देखो। वाइट तो मैं हमेशा ही प्रेफर करती हूँ, जब भी मेरे पास मिल जाए तो मैं ले आती हूँ वाइट कलर। तो तरीके के ना बैग्स जो होते हैं ना वो भी बहुत सही रहते हैं सूट्स को रखने के लिए, तो ये शर्ट रखने का बैग है एक, ये मैंने हस्बैंड के लिए लिया था, जैसे ये ट्रैवल में ना मेरे बहुत काम आता है, तो इसमें भी मैं इस तरीके से फोल्ड मार के रख देती हूँ कपड़े। ये जो सूट्स है ना ये मैं इस बैग में डाल लूँगी, तो आपके पास जो बैग्स आते हैं ना अच्छे अच्छे तो इनको फेंका मत करो, ये कपड़े रखने में ना बहुत अच्छे होते हैं, और इसमें क्या है कपड़े अगर फंसा के भी रख दोगे ना तो इनकी क्रीज इस बैग के वजह से ना ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, तो आप जब दोबारा पहनोगे तो हल्का सा प्रेस मार के भी पहन लोगे ना तो आपके कपड़े बहुत ज़्यादा क्रीज ख़राब नहीं मिलेगी, मतलब ऐसी हालत में तो नहीं मिलेंगे, ऐसी हालत में ही मिलेंगे, तो जिस क्रीज के साथ आप इसको रखोगे ना उसी क्रीज के साथ आपको मिलने वाले हैं ये सूट। हम तैयार हो गए हैं आज जाने के लिए, और हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो मामी जी को कुछ शॉपिंग करनी है, तो लगे हाथ हम भी लोग हाथ धो लेंगे बहती गंगा में। और ये देखो ये लड़का मेरा जैकेट पहन के खुश हो रहा है दिखाती हूँ रुक जाओ उसकी, तो इससे अंदाज़ा लगा लो मैं कॉलेज टाइम में कैसी थी, और ये लड़का मेरी जैकेट पहन के खुश हो रहा है, ये मम्मा की जैकेट थी पता है, ऐसे ना जाने कितने सारे ब्लेज़र्स थे, ये इस तरीके की जैकेट्स हैं मेरे पास, ब्लेज़र भी हैं जो मैंने इसके लिए बचा बचा के रखे हैं, सारे ब्रांड न्यू हैं, और इनको तो कितना भी पहन लो ये ख़राब भी नहीं होते। पॉकेट भी है। हाँ जी पॉकेट है, ये देखो चीकू आप दिखाओ, इधर आके दिखाओ थोड़ा सा, इधर आओ क्लोजअप, कम या बेबी कम कम, यहाँ पे खड़े हो जाओ, कम यहाँ पे खड़े हो जाओ, दिखाओ सबको, मम्मा और बेबी ठीक से फेस बनाओ, ऐसे नहीं गंदे लग रहे हो गंदा बच्चा। और बस अभी मैं थोड़ा सा बैग निकाल रही थी कि कौन सा बैग लूँ, ये चश्मा तो मैंने ऐसे ही लगा लिया था, धूप होगी तो लगाऊंगी, अच्छा लगता है मुझे इसके साथ में ना आउटफिट के साथ में, तो मैंने ये ऐसे ही लगा लिया। बाकी ये भी मेरा बहुत कूल सा चश्मा है, ये जो मैंने बनवाया था वाइट वाला, ये भी बहुत स्मार्ट लगता है, कोई भी ड्रेस पहनो सब पे जाता है। चीकू अरे मेरा छोटा बच्चा कितना खुश हो रहा है, मैं देख वैदिक फर्स्ट टाइम मॉल में आया है और कहता है मम्मा वाओ ये देखो चीकू देखो ऊपर ऊपर देखो इधर
कैसा लग रहा है? तो फर्स्ट टाइम बेचारा बच्चा मॉल में आया है। वैदिक ना कभी मॉल में नहीं आया, तो उसको मॉल्स का इतना क्रेज हो रहा है कि मम्मा वाह वाह सब जगह ऐसे ही बोल रहा है बार बार वाह। बेचारा बच्चा फर्स्ट टाइम आया है, तो इसको ना अब इसको किड्स सेक्शन में लेके जाता हूँ, देखती हूँ उसको कुछ अच्छा लगेगा तो। वैदिक आपके साथ एक्सीलेटर में जाते हो ना, मुझे भी डर लगता है कि आप मुझे खींच के गिरा नहीं दो। वैदिक के लिए शॉपिंग की है, वैदिक के लिए दो जैकेट्स लिए हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया अभी तक, ऑलरेडी इतने सारे कपड़े पड़े हैं वो ही नहीं पहने जाते, तो मैं सोच रही हूँ लेट्स सी कुछ देखती हूँ अगर मिलता है अच्छा तो। हमने ना वैदिक की तो शॉपिंग कर ली है, और मम्मी जी और मामी जी अभी थोड़ा सा अपना कुछ देख रहे हैं। वैदिक ना एक्चुअली इतने सारे कपड़े पहन के आए, इसको बहुत गर्मी लगने लग गई है जी। हमारे वैदिक भैया चला रहे हैं अपनी राइड कर रहे हैं हॉर्स की, उधर कहाँ ले जा रहे हो शॉप में, हाँ जाओ चलो चलो। मम्मी जी और अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, हमने अपनी शॉपिंग कर ली है, डन है। वैदिक ने तो कुछ खाया भी, आज केक खाया है वैदिक ने, बेचारा फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे, तो मैंने सोचा इसको लेके आती हूँ, जो बोलता है इसको करवाया है। वैसे तो इसको कभी भी शॉप के आगे हम लोग लेके नहीं जाते जी। हम तैयार हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे 31st पार्टी का खाना खाने के लिए। पार्टी का खाना खाने जा रहे हैं, वैदिक नहीं आया क्योंकि उसको थोड़ा सा ना गला ख़राब है, तो हमने सोचा उसको और ज़्यादा नहीं हो जाए, तो पतिदेव ने उसको आने नहीं दिया और हम लोग तो जा ही रहे हैं एज यूजुअल। मैं नीचे से आ गई हूँ और बस अभी फेस वॉश करके अब सोऊंगी, क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं। वैसे तो हम लोग ना ये वाला न्यू ईयर कभी भी हमारा नहीं होता एक्चुअल में, ये न्यू ईयर जो होता है फॉरेनर्स का होता है। हम लोगों का जो हिंदू नव वर्ष होता है वो होता है चैत्र मास में, और वो होता है नवरात्रि के दिन, जिसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। तो ये हमारा हिंदू नव वर्ष होता है, हमको वो सेलिब्रेट करना चाहिए। हम ये सेलिब्रेट तो ऐसे कुछ नहीं करते, आपने देखा होगा अभी मैं सो जाऊँगी बस 11 बजे, लोग 12 बजे के बाद में मतलब जागते हैं, ये सब करते हैं। तो बचपन से ही मेरी दादी दादाजी हैं उनके पास ही रही हूँ मैं, माँ बाबा के पास, तो उन्होंने हमें सेलिब्रेट नहीं करने दिया। बस ठीक है, सब लोग करते हैं तो सब लोगों के साथ मिक्स हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर सोसाइटी में थोड़ा सा नीचे फंक्शन था और गेट टुगेदर था एक तरीके से, और खाना वगैरह था, सब लोगों ने बैठा डांस किया, तो वो एक तरीके का गेट टुगेदर हो गया। तो हम लोग, मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि हमने सेलिब्रेट किया है नीचे न्यू ईयर पार्टी की है, तो ऐसा कुछ नहीं था, गेट टुगेदर था छोटा सा। तो हम लोग वहाँ पर गए सब लोग और एंजॉय किया, और फिर अब मैं आ गई हूँ, 11 बज गए हैं और बस हम सोने के लिए जा रहे हैं। कान्हा जी को सुला दिया, राधा रानी को सुला दिया है। कल का डे हमारा नॉर्मल डे है, वही जो रूटीन में रहता है। तो हमारा जो नववर्ष होता है, याद रखिएगा, हिंदू नववर्ष जो होता है वो होता है चैत्र मास में, और उसे कहा जाता है नवरात्रि। जो अब नवरात्रि आएगी ना मार्च के टाइम पर जो आप देखते हो, वही हमारा हिंदू नववर्ष है। तो आप लोग भी हमेशा वही बनाया करो, ठीक है। ये वाला अब थोड़ा सा लोग मॉडर्न बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मॉडर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, तो मॉडर्न वेस्टर्न नववर्ष आप कह सकते हो, हिंदू नववर्ष नहीं है ये।
तो अपने बच्चों को थोड़ा सा इसका नॉलेज देना ताकि बच्चों को डिफरेंस पता चल जाए इन दोनों के बीच में, फिर उनका जो चूज़ है ना कौन सा करना है वो उनके ऊपर छोड़ देना चॉइस जो है। तो आप सभी को राधे राधे, गुड नाइट, और जो लोग इस नववर्ष को मानते हैं उनको इसकी बधाई, जो हमारे नववर्ष को मानते हैं आपको उसकी बधाई।